सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, अयोध्या में आज चौथे दिन का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान है और आज 21 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं होंगी। आपको बताएं कि यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा यज्ञ कुंड में अग्नि मंथन से अग्नि प्रज्वलित। और देखिए, जो जानकारी जो अपडेट है कि आज चौथे दिन की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। आज 21 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं होंगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है। यज्ञ अग्नि कुंड से स्थापना की शुरुआत की जा चुकी है और अग्नि मंथन से अग्नि प्रज्वलित की गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज चौथा दिन है, लगभग 72 घंटे से भी कम का वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए बचा हुआ है। और अब इसी बीच जो अपडेट है कि आज की जो प्रक्रियाएं हैं, वैदिक पूजन की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना के साथ अग्नि प्रज्वलित की गई है और प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। वैदिक पूजन प्रक्रिया जो लगातार जारी है, आज 21 वैदिक पूजन प्रक्रियाएं वहां पर हो रही हैं और यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ गई है। कमल के फूल पर विराजमान है रामलला। मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाई है मूर्ति। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 16 जनवरी से राम मंदिर में शुरू हुई पूजा विधि जारी है। आज 21 वैदिक पूजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूजा पाठ का आज चौथा दिन है। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के गर्भगृह की एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर परिसर के अंदर बने यज्ञ कुंड, लगातार हो रहा पूजा अर्चन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या नगरी में भव्य तैयारी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर अयोध्या की सड़कों पर लगे भगवान राम और पीएम मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स। राम मंदिर गर्भगृह में लकड़ी और कपड़े से बना है शिखर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तरीके से बनकर होगा तैयार। अधूरे निर्माण का कई संतों ने किया था विरोध। मंदिर को दिया जाएगा पूर्ण स्वरूप। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से अयोध्या भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू। 250 क्विंटल वजन के लड्डू किए गए हैं तैयार। 4 लाख लड्डू हो चुके हैं तैयार। शेष 1 लाख लड्डू की चल रही है पैकिंग। कार्यक्रम के लिए देश विदेश से भेजी जा रही सेवा। महाराष्ट्र से सीएम शिंदे की शिवसेना की ओर से भेजा गया 5100 किलो का शुद्ध घी। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने भेजे हैं ट्रक। अनुष्ठान के लिए पीएम मोदी ने किया अन्न जल का त्याग। पिछले 8 दिन से नहीं ग्रहण किया अन्न जल के स्थान पर ले रहे नारियल पानी। 8 दिन से जमीन पर एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं मोदी। कल से 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई मंदिरों में दर्शन करेंगे। तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में सुनेंगे रामायण का पाठ। भजन संध्या में भी होंगे शामिल। राम मंदिर के श्रम वीरों से एबीपी न्यूज संवाददाता ने बातचीत की। 2400 घंटे मंदिर निर्माण में जुटे श्रमिकों ने कहा, जहां लोग आने के लिए तरस रहे वहां पर काम करना सौभाग्य की बात। झारखंड के धनबाद की रहने वाली सरस्वती देवी 30 साल के बाद तोड़ेंगी अपना मौन व्रत। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सीता राम कहकर पूरा करेंगी संकल्प। अयोध्या के सरयू तट पर नेपाली बाबा कर रहे श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन। अनुष्ठान के लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। नेपाल से आए 21,000 पंडित भी हुए शामिल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यूपी एटीएस ने अयोध्या से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला से कनेक्शन की आशंका। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तेज हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य। 22 जनवरी से पहले शेष काम को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। दिन रात यहां पर हो रहा है काम। चित्रकूट से प्रतापगढ़ पहुंची श्री राम की चरण पादुका। दर्जनों गाड़ियों के काफिले संग भारी सुरक्षा के बीच पहुंची मुख्यालय। शहरवासियों का उमड़ा हुजूम, भारी सुरक्षा इंतजाम। बरेली के किन्नर समाज का ऐलान, 22 जनवरी को जन्मे बच्चों के लिए बधाई गाएंगे और नेक भी नहीं लेंगे। जो भी जजमान अपनी खुशी से नेक देगा उसे प्यार से स्वीकार करेंगे। गाजे बाजे के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुई प्रयागराज से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी। कहा, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनूंगी।
यूपी के प्रयागराज में कलाकारों ने गंगा नदी के तट पर बनाई भगवान राम की कलाकृति। गंगा तट पर बालू से बनाया गया भगवान राम के मंदिर का मॉडल। अयोध्या के राम सेवक पुरम में भगवान राम की लीला दर्शाने वाली 500 से अधिक मूर्तियां की जा रही तैयार। राम मंदिर गलियारे में लगाई जाएंगी सभी मूर्तियां। राजस्थान के अजमेर में श्रीराम मंदिर और भगवान की अंडर वाटर पेंटिंग बनाने की तैयारी है। 21 जनवरी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके नितिन 7 फीट की गहराई में उकेरेंगे राम का चित्र। अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक तैयार करवाया गया। 1008 टन मिट्टी से बने 300 फीट ऊंचे दीप को बनाकर तैयार किया गया है। 10,000 लीटर तेल और 1.25 क्विंटल की बत्ती से आज होगा प्रज्वलित। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में सरयू घाट पर आरती के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का भी आयोजन। अयोध्या में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। यूपी पुलिस के एक बम स्क्वाड ने लता मंगेशकर चौक पर मेटल डिटेक्टर से निगरानी की। एटीएस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा। इंदौर के कार्तिक जोशी 1008 किलोमीटर की दौड़ तय कर अयोध्या पहुंचे। 14 दिन में इंदौर से अयोध्या की दूरी उन्होंने तय की। 5 जनवरी से शुरू की थी अयोध्या के लिए यात्रा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उपायों के चलते सभी प्रवेश द्वारों पर लगाए जा रहे टायर किलर बूम बैरियर। टायर किलर सुरक्षा कवच का एक हिस्सा। कोलकाता से अयोध्या जा रहा क्रूज बलिया में रेत में फंसा। सरयू नदी में पानी कम होने की वजह से बालू की रेत में क्रूज फंस गया, जिसे निकालने की कोशिश जारी है। श्रद्धालुओं को तोहफा देने की तैयारी में होटल व्यवसायियों ने बड़ी संख्या में ऑर्डर किए राम मंदिर के मॉडल। मेहमानों को स्मृति के रूप में गिफ्ट करेंगे मंदिर का मॉडल। अयोध्या में रामघाट स्टेशन के पास हो रहा रामलीला का मंचन। राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे रजा मुराद ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। रजा मुराद ने कहा, दुल्हन जैसी सज रही रामनगरी। अयोध्या में नाव पर एबीपी न्यूज का संगीतमय कार्यक्रम देखने को मिला। प्रसिद्ध संस्कृत गायिका माधवी मधुकर की पूरी टीम ने अलग अलग भाषाओं में भजन गाए। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या राममयी हो गई है। अयोध्या में एबीपी न्यूज के मंच पर शास्त्रीय संगीत साधक और गायक संत मानस दास की प्रस्तुति हुई। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम रोम में राम पुस्तक का विमोचन किया। पीएम के 11 दिन के अनुष्ठान की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री को बड़ा साधक बताया। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है उससे जुड़ी खबरें देखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन सरकारी दफ्तरों में हाफ डे छुट्टी पर आग बबूला हुए ओवैसी। बोले, बीजेपी शासित राज्य ने ईद मिलाद उन नबी की छुट्टी रद्द कर दी, क्या ये सबका विकास है। अयोध्या के कार सेवकों पर हुई फायरिंग को समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने बताया जायज। कहा, कोर्ट के आदेश का किया गया था पालन, संविधान की रक्षा के लिए चलवाई गई थी गोलियां। यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एसपी नेता शिवपाल यादव पर हमला किया। कहा, समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों के हत्यारे हैं, अयोध्या में हो रहा ये आयोजन नहीं आ रहा है रास। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का एसपी नेता शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार। कहा, इन्हें प्रायश्चित करने का मिला था मौका, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वो भी गवा दिया। एसपी नेता शिवपाल यादव के बयान पर भड़के अयोध्या के संतों ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए चलवाई गई थी गोलियां। कहा, संविधान ये नहीं कहता कि कार सेवकों पर गोली चला दो। मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मिला है। कहा, कार्यक्रम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के पार्टी के फैसले को अनुचित बताया। कहा, अभी भी देरी नहीं हुई, पुनर्विचार करे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राम नाम को चुनावी मुद्दे से खींच कर गलत कर रहे हैं पीएम मोदी। कहा, राम जी तो सभी के हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बौखला गई है बीजेपी। राजस्थान बीजेपी नेता बाबा बालकनाथ ने कहा कि कांग्रेस राम को नहीं मानती। कांग्रेसियों ने कभी नहीं चाहा कि भगवान राम का मंदिर बने। कहा, हम राम भक्त हैं, राम का नाम लेते रहेंगे।
और अब 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर। सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं के आधारशिला रखेंगे। बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला पीएम रखेंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपेंगे घरों की चाबी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे। चेन्नई में शाम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। रामेश्वरम के मंदिर में पूजा दर्शन भी करेंगे। मेघालय और असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शिलोंग में उत्तरी पूर्वी परिषद के 71वें पूर्ण अधिवेशन में शामिल होंगे। असम के तेजपुर में भैराव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। बीआर अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। विजयवाड़ा में स्थापित की गई है अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड के जोशीमठ में 35 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे मौजूद। दिल्ली में आबकारी नीति का मामला है। ईडी के चौथे समन पर भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया। फिलहाल गोवा के दौरे पर अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गोवा का दौरा। लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर आज पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे मौजूद। आज से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले जयपुर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के बाद सत्र की होगी शुरुआत। अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी का पलटवार। कहा दिल्ली में शराब घोटाले की किंगपिन है केजरीवाल। चौथे समन से सर्दी में छूटे उनके पसीने। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही बीजेपी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका लगा। अशोक तंवर ने आप से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ने के बाद आप नेता अनुराग ढांडा का बयान, एक दो के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चंडीगढ़ में होने वाले नगर निगम चुनाव की बदली गई है तारीख। अब 6 फरवरी को चुनाव होंगे। चुनाव अधिकारी के बीमार होने के बाद मतदान की तारीख बदली। केरल में बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा केरल की जनता को मोदी सरकार की योजनाओं का नहीं मिल रहा सही से लाभ। कई योजनाओं के बदले गए हैं नाम। भ्रष्ट सरकार को बदलने की जरूरत। पटना में लालू यादव के पोते तनुज यादव और नयन यादव पर एक अधिकारी पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आरोपियों के पिता नागेंद्र यादव ने आरोपों को खारिज किया। और अब 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें देखने का। मिशन 2024 में जुटी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव आज पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक करेंगे। सभी पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों को बुलाया गया। एसपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। कांग्रेस गठबंधन समिति के साथ एसपी के पैनल की बैठक हुई। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा की गई लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं बन पाई है बात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। कहा इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी दलों को छोड़ना पड़ेगा व्यक्तिगत स्वार्थ। देश के हित में सोचकर करेगा। असम के जोरहाट शहर में मार्ग बदलने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के बाद राहुल गांधी का बयान। कहा असम सरकार और सीएम हेमंत भारत में सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का बयान सामने आया। कहा शहरों के बीच से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति नहीं दी गई। जिद करने पर एफआईआर भी दर्ज हुई। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीएम हेमंत बिस्वा पर हमला किया। कहा राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं लेकिन आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रही राज्य सरकार। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा का बयान सामने आया। कहा जोरहाट की जनता चाहती है कि राहुल गांधी हमारे बीच आए लेकिन असम सरकार से सुरक्षा की नहीं है उम्मीद। अब जनता ही हमें सुरक्षा देगी। असम के जोरहाट में बोले राहुल गांधी। कहा असम में कांग्रेस ने ही हिंसा को खत्म किया। असम के लोगों को एक साथ जोड़ा लेकिन बीजेपी असम के लोगों को बांटने का कर रही है काम।
बिहार के लखीसराय में जेडीयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राम मंदिर का नाम लेकर बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही, जबकि देश में महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर। और अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं। बिल्किस बानो केस में दोषियों के सरेंडर करने की मियाद बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा था। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के खिलाफ अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने निर्दोष साबित न होने तक सदस्यता बहाली पर उठाए सवाल। नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 25 साल की सजा काट रहे विकास ने समय से पहले रिहाई की लगाई गुहार। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी विजय नायर की अंतरिम जमानत पर अर्जी पर राउंड एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। खराब स्वास्थ्य आधार पर मांगी है जमानत। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई होगी। मामले को संज्ञान में लेते हुए राउंड एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। और अब 9 सेकंड न्यूज में गुजरात में हुए दर्दनाक नाव हादसे से जुड़ी खबरें और अपडेट आपको देंगे। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा हो गया। नाव पलटने से 14 छात्र और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। बोट में न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे थे सवार। हादसे के बाद हड़कंप की स्थिति। वडोदरा में हादसे के बाद मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने शवों को तालाब से निकालना शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद सीएम भूपेंद्र पटेल ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। हादसे के बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जिलाधिकारी को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश है। वडोदरा में नाव हादसे में 18 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है। घटना किन परिस्थितियों में हुई इसकी जांच की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। गुजरात में नाव हादसे में मरने वालों के परिजनों को राज्य सरकार ने 4-4 लाख का मुआवजे देने का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार की सहायता दी जाएगी। गुजरात के वडोदरा में हादसे का पीएम मोदी ने संज्ञान लिया। पीएम राहत कोष से मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 50-50 हजार का ऐलान। और अब सभी अलग अलग राज्यों से आ रही तमाम जो खबरें हैं वो आपको दिखाएंगे। दिल्ली में दर्दनाक हादसा हो गया। पीतमपुरा में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। 2 पुरुष और 2 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत। रूम हीटर या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, जांच जारी। यूपी के गोरखपुर में श्रीराम कथा में भीड़ नियंत्रित करने में पुलिस नाकाम हुई। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में महिला का सिर फूटा। खून से लथपथ महिला पंडाल से निकली बाहर। यूपी के नोएडा में किसानों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान प्राधिकरण दफ्तर में तालाबंदी की गई। बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लाल चौक पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा चौकसी बढ़ी।